मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है जनहित का, जहां लोकतंत्र यानी जनता को घिसटने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। इसलिए आज आवाज बुलंद कीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, जहां भ्रष्टाचारी सीना ताने खड़ा रहता है और ईमानदार रेंगने घिसटने को बेबस हो जाता है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भ्रष्टाचार की जांच की मांग एक आम आदमी करता है। शिकायतों का 1000 पन्नों का पुलिंदा है, आरोपों की जांच के नाम पर झूठे आश्वासन का दावा है, और इसलिए दावा यह भी कि रेंगने को घिसटने को एक आम आदमी को मजबूर कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार के अजगर के खिलाफ आवाज उठाता एक आम आदमी की तस्वीर आप देख रहे हैं। करप्शन की शिकायतों को अपने पेट में समा लेने वाले सिस्टम के अजगर के खिलाफ रेंग कर आवाज उठाने के आम आदमी की इस कारनामे को आप देख रहे हैं। इनके हाथ में एक पीले रंग का झोला है, गले से लेकर पूरे शरीर में उन शिकायतों का पुलिंदा है जिनमें दावा है कि ईमानदारी से जांच नहीं की गई। मध्य प्रदेश के नीमच में कलेक्टर दफ्तर से लेकर सड़क की चौखट तक यूं जाते हुए एक आम आदमी को देखकर आपको लग सकता है कि ये कौन सा तरीका है न्याय मांगने का, जहां घिसटते हुए जाकर उन शिकायतों पर ईमानदारी के चश्मे से नजर रखने की गुहार करता है एक शख्स। करप्शन के अजगर के खिलाफ यूं पहुंचने की बात इसलिए क्योंकि आरोप है कि हर शिकायत को भ्रष्टाचार के आरोपी पचा जाते हैं। जिन शिकायतों का दावा कि वर्षों से करते करते मुकेश प्रजापति थक चुके हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपियों से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की बात करने वाली व्यवस्था से भी। आप कहेंगे कि मुकेश प्रजापति कौन है, तो फिलहाल मध्य प्रदेश के नीमच में कलेक्टर कार्यालय की दहलीज तक पहुंचे ये वो आम आदमी हैं जो अपने झोले से फिर उन शिकायतों का गट्ठर निकालते हैं जिनमें आरोप है कि ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक अधिकारियों ने साठ गांठ करके खूब काला पैसा कमाया है। और मुकेश प्रजापति के मुताबिक जब सिर्फ आश्वासनों की मीठी घुट्टी देकर अधिकारी इन्हें टालते रहे तो इनके पास यूं न्याय मांगने का चारा बचा। क्या वाकई मध्य प्रदेश में पंचायत से जिला तक कोई सुनने वाला नहीं जो नीमच में एक शिकायत करता फिर पहले रेंग कर आए और मुख्यमंत्री का नाम लेकर सिर पर चप्पल रखकर न्याय मांगे? लेकिन क्यों, किसी को यह सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, कुछ को यह ड्रामा लग सकता है, लेकिन जमीन पर आकर आरोपों को तो देखना पड़ेगा। मुकेश प्रजापति भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से ही आवाज उठाते आए हैं। फिलहाल नीमच के अपने गांव काकरिया तलाई में पूर्व सरपंच के खिलाफ शिकायत करते हैं। मुकेश प्रजापति कहते हैं शिकायत वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। आरोप ये तक कि जिले के स्थानीय अधिकारी भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा लेकर मामला रफा दफा कर जाते हैं। नीमच डीएम हिमांशु चंद्रा कहते हैं कि जांच के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे, जबकि नीमच की एसडीएम मामले में अपनी बात रखते हुए व्यक्ति विशेष ऐसे बोलती हैं जैसे आरोपी के नाम लेने भर से भूकंप आ जाएगा। जरूरी है कि अब निष्पक्ष जांच करके मुकेश प्रजापति जैसे आम आदमी को भरोसा मिले कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वरना नीमच के मुकेश का ही सिर्फ भरोसा नहीं टूटेगा बल्कि ये बात भी सच मान ली जाएगी कि आम आदमी को आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा, वरना मुकेश की तरह घिसटना होगा ताकि ईमानदारी से कोई सुन तो ले। वक्त आपसे इजाजत लेने का, उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे, जहां हर शिकायत को भ्रष्टाचार के आरोपी पचा जाते हैं। नमस्कार।